हाथरस जिले में एक शादी समारोह में उस समय खलल पड़ गया जब दुल्हन अचानक फेरे लेने से इनकार करते हुए मंडप से चली गई। दुल्हन का कहना था कि दूल्हा शराब पीता है, जबकि दूल्हे ने कहा कि ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पुलिस भी पहुंची लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लौट गए। बता दें कि सादाबाद क्षेत्र के गांव नगला नवल के जितेंद्र उपाध्याय की शादी देवासी पचोखरा टुंडला फिरोजाबाद की लड़की के साथ तय हुई थी। शादी 23 नवंबर को होनी थी। तय तिथि पर शादी समारोह सादाबाद के गेस्ट हाउस में चल रहा था। जयमाला सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे। दोनों के करीब 3 फेरे हो चुके थे, तभी किसी ने कहा कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। इस पर दुल्हन ने बाकी के फेरे लेने से मना कर दिया। दुल्हन की शादी करने से मना करने पर सभी हैरान थे। उसे मनाने की कोशिश में लोग लगे रहे लेकिन वो नहीं मानी। स्थिति को भांप कर कई रिश्तेदार वहां से निकल लिए। कुछ लोग भी वहां मौजूद रहे। दुल्हन ने बताया कि उसे अभी पता चला है कि दूल्हा शराब पीता है, इसलिए शादी से मना कर दिया। आरोप लगाया कि वर पक्ष की ओर से 15 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पहले भी शादी हो चुकी है आपकी? हो चुकी है? कोई बच्चा बच्चा भी आपके पास? तो ये लोग तो ये रहे थे कि पहले शादी हो चुकी है, टूट गई है, लेकिन उसके बाद इन्हें तो बता होगी बात की ना, उसके बाद भी ये लोग मना कर रहे हैं। क्या आपने मना किया शादी करने से? हम मना कर रहे स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से ये मांग कर रहे हैं पैसों की, 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो आपके पिताजी माताजी क्या कह रहे हैं? आप पिताजी माताजी क्या कह रहे हैं आपके परिवार के लोग? कुछ नहीं कह रहे। पापा ने तो पहले दे रखे हैं 15 लाख रुपए इनको। क्या नाम क्या आपका? भावना। भावना नाम आपका? तो कुछ नाम? नहीं, नाम उजागर नहीं करते, वो तो हम अपने लिए पूछते हैं, केवल नाम उजागर नहीं करते, नाम उजागर नहीं होता। वहीं युवक का कहना है कि वो शराब नहीं पीता, उसके बारे में गलत बात कही जा रही है। आरोप लगाया कि लड़की पहले से शादीशुदा थी। जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? नगला नगल। अच्छा, शादी कहाँ से हो रही थी आपकी? नगला धन सिंह। तो क्या क्या लड़की क्यों मना कर रही है शादी करने से? पता नहीं सर क्यों मना कर रही है। एकदम जब से मैंने तो गोद भरने गया था तब भी उसने मेरे को पूछा, मैंने उसे तब भी बोला कि हाँ मैं राजी हूँ, सब कुछ सही है। अब जब रात को आया, जयमाला वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी सही है। फेरा हो रहे थे तो एकदम बंद हो गया। फेरा होते टाइम? हाँ। तो कुछ फेर पड़ भी गए थे ना? हाँ, कुछ फेरा पड़े थे। अब लड़की ये कह रही 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं हमसे। ना ना ना, मेरी कोई डिमांड नहीं, 1 रुपये की भी। कौन सी काम? अच्छा, दूसरे दूसरे वो इससे पहले कोई जानकारी इनसे छिपाई हो आपसे कोई ऐसी लड़की वाले? हाँ छिपाई है। क्या जानकारी छिपाई है? एक तो ये था शादी तो थी, दूसरा इनकी बच्चा भी था और वहाँ से तलाक हुई है, वहाँ से भी इनका केस चला है। ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ आपसे छिपाई गई थी? हाँ, वहाँ से केस में ये इन लोगों को पैसा भी मिला है। फिलहाल मामला थाने तक पहुंच गया लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोनों पक्ष बिना शादी किए वापस चले गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।